हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं आपको ये बटरफ्लाई स्लीव्स का टॉप बनाना बता रही हूँ, जिसे मैंने कुल 1 मीटर कपड़े में से तैयार किया है। और ये टॉप मैंने 13 इयर्स गर्ल के लिए बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं हम इस ब्यूटीफुल टॉप का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को टच करें और साथ ही बेल आइकन को भी टच करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो ये देखिए, हम इस कॉटन फैब्रिक का टॉप बनाएंगे। तो इसका मेजरमेंट इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। लेंथ में इसकी 20 लूंगी, चेस्ट इसका 32 है और इसका जो शोल्डर है वो 13 है और आर्म होल इसका 15 है। हमने जो रेनी सीजन है इसलिए मैंने ये कॉटन फैब्रिक लिया हुआ है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद देखिए, इसमें जो लाइन है वो इस तरह से रेशे खड़े में है, तो हम इसे इसी तरह से लेंगे कि हमारे आगे पीछे के जो पर्दे हैं वो खड़े में दिखें। तो इस तरह से मैंने इसे डबल फोल्ड 4 फोल्ड कर लिया है। और लेंथ इसमें देखिए, मैं 20 रेडी करूँगी, इसके लिए मैंने 20.5 इसमें आई है, 21.5 इसमें लेंथ आ रही है, हम पूरी ले लेंगे। उसके बाद हम इस कपड़े को देख लेते हैं कि कितना फोल्ड करना है। 32 चेस्ट के हिसाब से 8 इंच हमने इसका 4th पार्ट लिया है और 1.5 इंच की इसमें मार्जिन ली है। तो 9.5 पे हम इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। अब इस जो फोल्डेड एरिया है यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर 13 है तो 6.5 पर मैं निशान लगा रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें आर्म होल के लिए निशान लगाया है 6.5, ये देखिए। और इसके बाद हम यहाँ से इसमें चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे जो कि 32 है। इसके लिए 4th पार्ट पर मैं 8 पे निशान लगा रही हूँ। 1.5 इंच मैंने इसमें मार्जिन लिया है। और ये देखिए, इसमें हम नेचुरल वेस का हल्का सा शेप लेते हैं, तो 14 पर आप एक निशान लगाइए। और लेंथ हमें पूरी लेनी है तो इसे हम सिर्फ यहाँ से हल्की सी शेप लगा लेते हैं। ये मैं आर्म होल के लिए शेप लगा रही हूँ, ये देखिए, फ्रेंच कर्व से मैंने ये शेप लगा लिए। अब हम जो फिटिंग देते हैं उसके लिए मैं हल्की सी शेप लगाऊंगी। ये देखिए, नेचुरल वेस्ट तक आप लाएंगे और उसे नीचे तक सिंपली मिला देंगे हम, ये देखिए इस तरह से। और नीचे से आप चाहें तो इसे हल्का सा राउंड दें या इसे हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब हम इसमें नेक के लिए ड्रॉ करते हैं। नेक में 3 इंच पर ले रही हूँ और यहाँ से हम इसमें हल्का सा 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। तो ये देखिए, मैंने 3 इंच पर जो नेक का निशान लगाया है वहाँ पर मिला दिया इसे। उसके बाद आप नेक चाहें अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर पीछे का नेक बना रही हूँ। पीछे का नेक हम 3x3 का बॉक्स बनाएंगे और उसे ड्रॉ करेंगे। गोल नेक ही बना रही हूँ, ये देखिए, ये मैंने इस पर राउंड में निशान लगा दिया है। और आगे का नेक हम इसमें वी बना रहे हैं, तो आप 7 इंच पर एक निशान लीजिए और इस तरह से हम इसे तिरछा मिला देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये वी नेक ड्रॉ हो गया है। अब हम इसमें आगे के लिए शेप लगाएंगे। तो फ्रंट में मैंने सिर्फ 1/2 इंच शेप लगाई है फ्रंट के लिए। अब मैं इसकी सिंपली कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसमें से पीस कट कर लिए हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा हम हटा देंगे। अब इसमें से हम बैक के लिए जो पीस है वो अलग हटा देते हैं, ये देखिए, और फ्रंट का पीस वापस से जमा कर रखेंगे। अब हम इसमें से नेक और आर्म होल के लिए जो शेप लगाई है उसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये कट होने के बाद हमारे पास फ्रंट और बैक के पीस रेडी हैं। अब हम इसमें से जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम इसका जो आर्म होल है उसे मेजर कर लेते हैं। ये देखिए, 1/2 इंच शोल्डर पर ज्वाइंट लगाएंगे। उसे छोड़ने के बाद मैं यहाँ से नाप रही हूँ। आप देखिए, मैं इसे सेंटीमीटर में नाप रही हूँ, ये देखिए। इस तरह से आपको दोनों आगे और पीछे के आर्म होल का नाप लेना है। हम इसमें मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। तो ये देखिए, ये 38 आया है, ये सेंटीमीटर में नाप है, आप इसका विशेष ध्यान रखिए। तो ये देखिए, ये जो चौकोर पीस बचा है अब हम इसमें स्लीव्स बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर पर बता देती हूँ, आर्म होल का जो हमने मेज़र किया था वो आया था 38 सेंटीमीटर। इसमें हम 2π से डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए, 38/2π और पाई का नाप होता है 3.14। तो 2 इंटू मैं यहाँ लिख रही हूँ 3.14।
इसका मतलब 38 में हमको डिवाइड करना है 6.28 से, और इसका जो मेजर आता है वो 6.05 समथिंग आएगा। आप इसे अपने मोबाइल से कैलकुलेट करें तो बहुत इजीली हो जाएगा। ये सेंटीमीटर आया है हमारे पास, तो हम इसी तरह से, ये देखिए मैंने आपको सीधा कर बताया है, इसका जो नाप आया है जो 6 सेंटीमीटर, ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के हिसाब से हम इसे कट करेंगे। तो कपड़े पर कैसे कट करना है ये देखिए, सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से राउंड लेंगे कट करके, और उसका जो सेंटर पॉइंट लेंगे हम, ये देखिए इस तरह से, उस सेंटर पॉइंट से हम नीचे की साइड 6 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, ये लाइन जो है 6 सेंटीमीटर की, और यहाँ से हम एक राउंड बनाएंगे जो 6 सेंटीमीटर चारों तरफ आएगा, और उसे ही हम कट करेंगे जो इसका आर्म होल होगा। तो देखिए अब हम कपड़े पर कट करते हैं, ये फोल्डेड साइड है। अब मैं यहाँ इसे इस तरह से तिरछा कर लेती हूँ जिससे हमें बिल्कुल चौकोर पीस मिल जाएगा, और साइड से जो कपड़ा निकलेगा वो हमें गले पर पट्टी लगाने के लिए काम आ जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल स्क्वायर पीस हो गया है। अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए हम इसे बिल्कुल चौकोर फोल्ड कर लिया है। इसमें हमें कॉर्नर पर जो पॉइंट बना लेंगे, और वहाँ से हम इसे मेजर करके बिल्कुल गोल बनाना है। तो जिस तरह से हम अम्ब्रेला के लिए नाप लगाते हैं उसी तरह से मैंने इसे पूरे में निशान लगा लिया है, और यहाँ एक सेंटर पॉइंट का भी निशान लगा लेंगे। अब हम इसको सिंपली कट कर लेंगे जिससे हमारे पास राउंड पीस आ जाएंगे। तो ये देखिए ये बिल्कुल राउंड पीस आ चुका है मेरे पास, और इसका ये सेंटर पॉइंट है। तो देखिए इस सेंटर पॉइंट से हमें नीचे की साइड एक 6 इंच पर पॉइंट बनाना है। ये देखिए यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर, और ये जो 6 सेंटीमीटर है यहाँ से आपको पूरा एक राउंड बनाना है। तो देखिए मैं इसके चारों तरफ निशान लगा लेती हूँ जिससे मुझे राउंड बनाने में आसानी रहेगी। ये देखिए मैंने ये 4 पॉइंट बना लिए हैं, और इसे मैं राउंड कर लेती हूँ, और इसे ही आपको कट करना है। तो देखिए मैं इसे कट करने के लिए आपको इजी तरीका बता रही हूँ। आप इसे इस तरह से फोल्ड कीजिए, इसका जो सेंटर पॉइंट है बिल्कुल बीच में आ गया है। देखिए अब हम इसे कट करेंगे तो ये बिल्कुल गोलाई में कट होगा, इसका जो आर्म होल है। ये देखिए ये जो कट हम कर चुके हैं, अब इसे मैं ओपन करके आपको बताती हूँ। ये देखिए ये जो राउंड आया है कट होके, ये ही इसका आर्म होल है। तो इस तरह से टॉप की कटिंग हो चुकी है। अब हम सिलाई करने के लिए चलते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट का पीस बनाएंगे इसका नेक। तो जो साइड से कपड़ा बचा था उसे मैं एक साइड से फोल्ड करूंगी और इस नेक पर जमा लेती हूँ। देखिए इसमें ध्यान रखिए जो वी नेक है उसका जो पॉइंट है वहाँ पर हमको एक पूरी प्लेट्स लेनी है जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी, और उसके बाद हम इसे सिलाई लगा देंगे एक। तो मैं सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए ये जो सिलाई लगाई है इसमें हम अब अंदर से हल्के हल्के कट लगा देते हैं। सेंटर में जो कट लगाएंगे वहाँ पर आपको ध्यान रखना है सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं अंदर की साइड पूरा। मैंने इसमें ये देखिए थोड़ी चौड़ी पट्टी ली है जिससे कि जो कॉटन फैब्रिक है उसका गला बिल्कुल बहुत अच्छे फिनिशिंग के साथ आएगा। तो ये देखिए मैंने इसे थोड़ा सा हाथ से दबा दिया है, और इस तरह से ये वी नेक बन जाएगा। और मैं इसमें अब ऊपर से एक सिलाई लगाऊंगी फिनिशिंग की। ये देखिए पीछे से भी इसमें बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग आई है जो हमने प्लेट्स लगाई थी, इसलिए इसमें कोई भी झोल नहीं आएगी बिल्कुल भी। अब हम इसमें ऊपर से एक सिलाई लगा लेते हैं और पीछे से हम इसकी तुरपन कर लेंगे। तो ये देखिए ये नेक तैयार है बिल्कुल। और इसी तरह से अब मैं इसका बैक पीस का भी नेक बना लेती हूँ। तो ये देखिए बैक पीस में जो नेक हमने कट किया था सिंपली हम उसमें पट्टी लगा के उसे रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैं रेडी कर चुकी हूँ इसे भी। अब हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो दोनों पीसों को अपोजिट रखिए और यहाँ पर शोल्डर जॉइंट कीजिए। शोल्डर जॉइंट करने के बाद आप देखिए जो उसका जो मार्जिन है जोड़ का उसे आगे की साइड कीजिए, और यहाँ पर एक बूट की आप सिलाई लगाइए जिससे टॉप में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है शोल्डर के पास। ये देखिए मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखिए इसमें हमें स्लीव्स बिल्कुल आखिरी में लगाएंगे, तो मैं इसमें फिटिंग के लिए निशान लगा लेती हूँ। ये देखिए
फिटिंग के निशान लगाने के बाद हम इसमें सिलाई लगा लेंगे और बॉटम फोल्ड कर लेंगे। देखिए सिलाई लगाने के बाद बॉटम फोल्ड मैंने कर लिया है। अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे, तो ये जो इसका आर्म होल बन गया है और हमने जो स्लीव्स राउंड कट करके रखी थी इसे मैंने चारों तरफ से फोल्ड कर लिया है। आप चाहें तो इसमें पीको भी करा सकते हैं। अभी देखिए इसमें जो कम हिस्सा है वो नीचे की साइड आएगा, तो अब हम इसे सबसे पहले फोल्ड कर लेंगे और इसके कॉर्नर पर हम चौक से निशान बना लेंगे। देखिए यहाँ पर ये मैं चौक से निशान बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे हल्का सा कट करके भी निशान ले सकते हैं। तो हम देख लेते हैं अब इसे कैसे अटैच करना है। सबसे पहले मैंने स्लीव्स को उल्टा करके रखा है और जो टॉप है उसे हम सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद देखिए बिल्कुल अच्छे से जमा कर इसे इस तरह से रखना है। ध्यान रखना है जो कम वाला हिस्सा है वो नीचे की साइड लेना है इस तरह से, और बड़ा जो हिस्सा है ऊपर का वो शोल्डर की साइड लेना है। अब मैं इसे पिन से अटैच कर देती हूँ जिससे कि हमें सिलाई लगाने में हेल्प रहेगी। तो ये देखिए ऊपर शोल्डर का जो जॉइंट है उसे हम जो ऊपर हमने चौक से निशान लगाया था इस तरह से दोनों को मिलाकर पिन से अटैच कर लेते हैं, और इसी तरह से आप चारों तरफ पिन लगाकर इसे अटैच कर लें। ध्यान रखें कि जो कम वाला हिस्सा है वो हमें नीचे की साइड लेना है, तो हम इस पर सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए मैं इस पर डबल सिलाई कर चुकी हूँ और इसी तरीके से मैंने दोनों स्लीव्स अटैच कर ली हैं। तो तकरीबन हमारा ये टॉप रेडी है। ये देखिए हम नीचे कम लेते हैं तो ऊपर शोल्डर की साइड से जब ये स्लीव्स फोल्ड होके आएगी तो ये दोनों बिल्कुल बराबर आएंगी, इसीलिए हम इसे इस तरह से लगाते हैं। तो ये टॉप रेडी है। अब हम इसमें बटन लगाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास जो भी इसके मैचिंग बटन हो आप उसे लगा सकती हैं, या फिर मैंने इसमें जो इसका थोड़ा सा फैब्रिक बचा हुआ था उसी से मैंने इसमें बटन लगा लिए हैं बनाकर। अगर आप चाहेंगी तो मैं ये बटन कैसे बनाते हैं इसका भी वीडियो बाद में अपलोड कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसमें बटन अब टांग लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें बटन लगा लिए हैं, तो टॉप तैयार है। मैं इसे आपको डमी पर लगाकर दिखाती हूँ। ये देखिए ये इसका लुक आया है और ये बहुत ही अच्छा लगता है पहनने के बाद। आप इसे स्कर्ट जीन्स किसी पर भी कैरी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।